Now, in today's video, that is the third video of thermodynamics. Here we'll start with spontaneous and non-spontaneous process. Spontaneous processes are those processes which takes place by itself or by initiation are called spontaneous processes. For example, dissolution of common salt in water, that is evaporation of water in open vessel. मतलब अगर आप बर्तन में नमक डाल दीजिए पानी के अंदर, तो आप उसको स्टर नहीं भी करेंगे तो आप 1 घंटे 1.5 घंटे बाद देखेंगे तो पानी सॉल्ट जो है डिसॉल्व हो गया होगा. नेक्स्ट है आपका एवेपोरेशन ऑफ वाटर. इसी तरह से अगर बारिश होती है तो पानी ऑटोमेटिक जो है आपका एवेपोरेट हो जाता है, तो अपने आप होता है, उसको कुछ इनिशिएशन की जरूरत नहीं पड़ती है. पानी जो है फ्लो ऑफ वाटर डाउन अ हिल, ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और अपने आप होता है. कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म NO2, दिस ऑल्सो टेक्स प्लेस बाय इट्सेल्फ. सेकेंड है बाय इनिशिएशन. इफ यू बर्न अ कैंडल वंस इट विल गो ऑन बर्निंग, सो हियर द इनिशिएशन इज हीट. सेकेंड इज हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. इफ यू हीट कैल्शियम कार्बोनेट इट विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो एक बार ये हो जाता है तो इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि ये लगातार रिएक्शन होती रहती है. नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. इसमें जो है अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो है इलेक्ट्रिक स्पार्क दैट इज इलेक्ट्रिसिटी का मदद लेते हैं उसको, तो वो जो है वाटर बना लेता है. तो यहाँ इनिशिएशन जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गई. नाउ नेक्स्ट है आपका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस विच टेक्स प्लेस नाइदर बाय इटसेल्फ नॉर बाय इनिशिएशन. नाइदर बाय इटसेल्फ नॉर बाय इनिशिएशन आर कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल फ्लो ऑफ वाटर अप अ हिल. पानी आप चाहें कि नीचे से नदी का पानी हम पहाड़ पे ले जा पाए, नहीं ले जा पाएंगे. नेक्स्ट इज फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, ये भी पॉसिबल नहीं है, हमेशा हॉट से ही कोल्ड में फ्लो करता है. थर्ड है दैट इज डिफ्यूजन ऑफ गैस फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर. मतलब कि अगर किचन में खाना बन रहा है वहाँ जो है सॉल्यूट्स का वो ज्यादा रहता है, तो आप चाहेंगे कि कमरे से खुशबू किचन की तरफ जाए, नहीं किचन से ही आपके दूसरे कमरे की तरफ जाएगी. तो इससे पता चला कि कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो कि रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड ड्राइविंग फोर्स. सो द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस इज कॉल्ड द ड्राइविंग फोर्स. द नेचर ऑफ ड्राइविंग फोर्स इज द टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम एनर्जी. मतलब कि किसी भी सिस्टम को स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए उसको हमेशा के जो है वो एनर्जी जो है लूज करनी पड़ती है, मिनिमम एनर्जी में रहना पड़ता है. एग्जाम्पल आपका है दैट इज वाटर फ्लो डाउन अ हिल टू हैव मिनिमम एनर्जी. सेकेंड है आपका H2+H2O गिव्स यू H2O. इसमें देखिए डेल्टा एच जो है नेगेटिव है, मतलब किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है. थर्ड एग्जाम्पल है आपका कि N2+3H2 गिव्स यू 2NH3. अगेन हियर डेल्टा एच इज नेगेटिव, इट मीन्स द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. नाउ डेल्टा एच नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. नाउ लिमिटेशंस फॉर द क्राइटेरिया ऑफ मिनिमम. अभी हमने ये कर लिया कि हाँ जिसका डेल्टा एच नेगेटिव होगा वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा,
लेकिन इस फैक्टर के लिए भी कुछ जो है दुश्मन पैदा हो गए थे। पहला था कि देर आर नंबर ऑफ रिएक्शंस विच हुज डेल्टा एच इज पॉजिटिव बट दे आर स्पॉन्टेनियस। फॉर एग्जाम्पल, कन्वर्जन ऑफ वाटर इंटू गैस, लिक्विड को गैसियस स्टेट में निकलना है, यहाँ डेल्टा एच वेपोराइजेशन पॉजिटिव है फिर भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, यहाँ भी डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया कि रिएक्शन पॉजिटिव है, इसका मतलब उन्होंने अंदाजा लगाया कि जरूर कोई ना कोई और भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इस रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए। उसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल उन्होंने दिया था कि देयर आर नंबर ऑफ रिएक्शंस नोन फॉर विच डेल्टा एच इज जीरो, मतलब डेल्टा एच जीरो है और फिर भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। एग्जाम्पल उन्होंने लिया था एस्टरीफिकेशन, व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद इथाइल अल्कोहल इट फॉर्म्स इथाइल एसिटेट प्लस वाटर। तो अब जो ऊपर के एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं इससे पता चला कि एंथैल्पी फैक्टर कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरिया फॉर प्रिडिक्टिंग द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। इसका मतलब कि कोई ना कोई और भी चीज है जो कि रिस्पॉन्सिबल है स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन के लिए। और फिर उन्होंने जो है दूसरा फैक्टर का वो किया। सेकेंड फैक्टर वॉज दैट इज टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रैंडमनेस, टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रैंडमनेस एंड दिस इज कॉल्ड एंट्रॉपी। इसको हम लोग एंट्रॉपी कहते हैं। एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको पीछे दो एग्जाम्पल बताए थे जिसमें ये कहा था कि ये जो रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस नहीं है क्योंकि मतलब स्पॉन्टेनियस है लेकिन डेल्टा एच पॉजिटिव है तो उसको स्पॉन्टेनियस नहीं होना चाहिए था। तो उसमें पता चला कि नहीं भाई, एक और फैक्टर है दैट इज एंट्रॉपी, दैट इज एवोपोरेशन ऑफ वाटर। वाटर में जो है मॉलिक्यूल्स बहुत नजदीक रहते हैं तो उनकी एंट्रॉपी कम रहती है, और गैसियस स्टेट में जाते हैं तो उनकी एंट्रॉपी ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव, दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। सेकेंड है डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड भी जो है जब डिसोसिएट करता है तो उसके आयंस दूर हो जाते हैं, जब दूर हो जाएंगे इसका मतलब इसके आयंस फ्री है मूव करें, यहाँ सॉलिड स्टेट में है और यहाँ पे जो है इसके आयंस जो सॉल्वेशन स्टेट में अलग अलग हो गए तो फ्री टू मूव, सो देयर फोर जो है इनका भी एंट्रोपी ज्यादा हो जाता है इसलिए रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। तो फिर एक नया फैक्टर जो एंट्रोपी आया उसकी डेफिनेशन हमें पढ़नी होगी। इट इज द मेजर ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, ग्रेटर द रेंडमनेस हायर इज द एंट्रोपी, ग्रेटर द रेंडमनेस एंड हायर इज द एंट्रोपी। एंट्रोपी जो है वो स्टेट फंक्शन है, उसमें डेल्टा एस इज इक्वल टू एस टू माइनस एस वन, वेयर एस टू इज द एंट्रोपी एट द फाइनल स्टेट, एस वन इज द एंट्रोपी एट इनिशियल स्टेट। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें डेल्टा एस मिला, दैट इज एंट्रोपी चेंज। इसको हम लोग बोलते हैं एंट्रोपी। सो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल आइसोथर्मल, ये दो वर्ड्स आपको इस्तेमाल करने हैं, बाय टी। नाउ एंट्रोपी चेंज इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एंड डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट विच हीट इज एब्जॉर्ब। आप देखेंगे कि डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी, इसी को हमने लैंग्वेज में लिखा है कि दिस इज एंट्रोपी चेंज, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, इसको हीट बोलते हैं, सो हीट इवॉल्व और आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो आपकी यूनिट जो है क्यू को हम कैलोरीज में लिखते हैं और टेम्परेचर जो है वो कैल्विन में होगा, पर मोल लिया जाता है इसलिए कैल्विन, कैलोरी कैल्विन पर मोल जो है वो इसकी यूनिट होगी। अभी आपको एक डायग्राम मैंने इसमें जो है इनपुट किया हुआ है, इसमें आप देखेंगे कि सॉलिड में द एटम्स आर वेरी क्लोजर टू एंड इन लिक्विड स्लाइटली फार अपार्ट एंड इन गैस वेरी फार अपार्ट। सो इसका मतलब हुआ कि एंट्रोपी जो है वो
इसमें लीस्ट है सॉलिड स्टेट में, और गैसेस में मैक्सिमम है। तो जैसे जैसे एंट्रोपी इंक्रीज करती है वैसे वैसे जो है आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। देन देयर इज अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इट, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व्ड इन द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल दैट इज 18 ग्राम्स ऑफ सॉलिड आइस एट 273 केल्विन टू लिक्विड वाटर एट द सेम टेम्परेचर। मतलब कि H2O सॉलिड चेंजेस टू H2O लिक्विड, और इसके लिए आपको डेल्टा H फॉर्मेशन जो दिया हुआ है वो 6025 जूल पर मोल दिया हुआ है, और आपको टेम्परेचर भी दिया हुआ है दैट इज 273 केल्विन। ये आपका फॉर्मूला है। डेल्टा एफ एस इज इक्वल टू डेल्टा एफ एच बाई टी एफ, हीट ऑफ फॉर्मेशन है। सो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, डिवाइड करने से यू विल गेट 22.1 जूल पर केल्विन पर मोल। फिर साइन का ध्यान रखना है, डेल्टा एस पॉजिटिव, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस, जीरो, इक्विलिब्रियम। तो यहीं से फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केम इन टू एग्जिस्टेंस एंड दिस स्टेट्स दैट द एंट्रॉपी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग। द एंट्रॉपी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग। नाउ नेक्स्ट फैक्टर केम इन टू एग्जिस्टेंस दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी। नाउ हाउ इट केम इन टू एग्जिस्टेंस वी विल डिराइव फ्रॉम दिस। सो स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी चेंज। नाउ टी दिस डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ये आपका इक्वेशन 1 है, जैसे यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग, उसी तरह से यहाँ पे हो गया कि एंट्रॉपी ऑफ द यूनिवर्स विल बी इक्वल टू एंट्रॉपी ऑफ द सिस्टम एंड एंट्रॉपी ऑफ द सराउंडिंग। तो यहाँ से हमने लिखा कि अगर डेल्टा एस सराउंडिंग को हम माइनस क्यूपी बाई टी लिखते हैं, क्यूपी क्या है, कॉन्स्टेंट हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और हमें पीछे डिराइव किया था क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा एच। तो क्यूपी की जगह अगर हम वैल्यू लगा दें, डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बाई टी, सो डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच बाई टी। इफ वी मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई टी पूरे इक्वेशन को, अगर हम सेकेंड इक्वेशन को जो है टी से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिलेगा टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, यहाँ पे सिस्टम लिख ले तो अच्छा रहेगा, माइनस डेल्टा एच, क्योंकि एच टी और टी कट जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं कि डेल्टा जी जो है वो टी डेल्टा एस टोटल होता है, तो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी वैल्यू डेल्टा जी की, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसको हम गिब्स हेल्मोंट्स इक्वेशन भी कहते हैं। नाउ डेल्टा जी नेगेटिव, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी जीरो, देन इट इज इन ए इक्विलिब्रियम। नाउ डिराइविंग द क्राइटेरिया फ्रॉम गिब्स एनर्जी इक्वेशन, तो दिस गिब्स हेल्मोंट्स इक्वेशन विल हेल्प अस द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। नंबर 1, व्हेन बोथ डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस आर नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो जो है स्पॉन्टेनियस होता है, और टी डेल्टा एस अगर आपका पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो इसीलिए हमने इसको अपोजिट लिखा है। इसके लिए इफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस देन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, इफ डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस देन इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस इक्विलिब्रियम। डेल्टा सेकेंड फैक्टर है दैट इज व्हेन बोथ डेल्टा अपोजिट हो गया ऊपर वाले का, ठीक अपोजिट कि डेल्टा एच अपोजिस मतलब कि पॉजिटिव हो गया, डेल्टा टी डेल्टा एस फेवर्स मतलब कि नेगेटिव हो गया डेल्टा जी। तो इसका मतलब जो है आपका ये हो गया डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया,
इफ इट इज डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस देन जी इज नेगेटिव. डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस इक्विलिब्रियम दैट इज जी इज इक्वल टू जीरो. थर्ड इज व्हेन डेल्टा एच इज नेगेटिव बट टी डेल्टा एस इज पॉजिटिव बोथ फैक्टर्स फेवर्स देन प्रोसेस इज हाईली स्पॉन्टेनियस एंड डेल्टा जी इज हाईली नेगेटिव. वाइस वर्सा इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव बट टी डेल्टा एस इज नेगेटिव बोथ फैक्टर्स अपोजेस देन प्रोसेस इज हाईली नॉन स्पॉन्टेनियस एंड डेल्टा जी इज हाईली पॉजिटिव एंड हाईली नॉन स्पॉन्टेनियस. Now next is effect of temperature on the spontaneity of the reaction. If for endothermic process, if the temperature is low, that is T delta S is less than delta H in magnitude, then delta G will be positive, non-spontaneous. Second, if temperature is moderate, that T delta S is greater than delta H, then delta G will be negative, reaction will be spontaneous. Third condition है, that is temperature high, T delta S will be greater than delta H, delta G will be highly negative. The process will not only spontaneous, but fast. Endothermic के लिए ठीक opposite हो जाता है, exothermic. For exothermic process, temperature is so high, that T delta S is greater than delta H in magnitude. So D delta G positive, so the process will be non-spontaneous. If the temperature is made so low that T delta S is less than delta H, then delta G will be negative, so reaction will be spontaneous. So this completes the chapter thermodynamics. So in this chapter, we have studied the spontaneous and non-spontaneous processes, what are the conditions for the spontaneity of the reactions, what is driving force, what is entropy, and what is the effect of temperature on the spontaneity of the reaction.